हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है और मैं आपका फिजिक्स मेंटर। जैसा कि कुछ बच्चे हमको जानते होंगे और जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो बच्चे जान जाएंगे कि मेरा नाम अनिकेत पाठक है। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, इससे हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कि 2020 के जो भी मॉडल पेपर पूछे गए हैं, जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्न पत्र को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में एक पेपर इससे पिछले वाले क्लास में सॉल्व कराया गया था, उसका जो अब बचा हुआ खंड है वो आज हम लोग देखेंगे। तो उस पेपर कोड का नाम था 346XS। हम कई बार बता चुके हैं डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है लगाने के तरीके मालूम होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके समय को नुकसान ना करते हुए चलिए आज हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इससे पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने खंड स पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए थे, आज खंड द देखते हैं और खंड द में क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे लिख देंगे खंड द। फिर आपका जो है चौथा नंबर है, चौथे का पहला नंबर क्या कर रहा है, चौथे का कर नंबर क्या कर रहा है, तो चार का क, तो क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और लेंस की प्रकृति क्या होगी वो आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये एक फार्मूला पढ़े होंगे, पी बराबर 1/f। अगर f को यहाँ पर लेके जाया जाए f बराबर क्या आ जाएंगे, 1/p। तो डियर स्टूडेंट, इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की जो आपकी क्षमता है वो कितना दिया गया है, कितना डायोप्टर दिया गया है, 10 डायोप्टर है। तो दिया है, क्या दिया है, F1 = हम लोग इस पद में लिख रहे हैं क्षमता को, F1 = क्या होता है, 1/p। तो 1/p, तो 1/ कितना दिया गया आपको, 10 दिया गया है। ठीक डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई 10 × 1 = 100 बराबर कितने आ गए, 10 सेंटीमीटर आ गए। ये F1 के मान आ गए डियर स्टूडेंट, किसके मान आ गए, F1 के। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F2 बराबर 1/ का हो जाएगा, उसका कितना मात्रा दिया है, बोल रहे हैं कि कितने डायोप्टर हैं, 2 डायोप्टर हैं, कितने डायोप्टर हैं, 2 डायोप्टर। तो ये हो गए 2 डायोप्टर। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इसको भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, और ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी 50 सेंटीमीटर आ गए। ये F1 के मान आ गए, F2 के मान आ गए। तो इस फार्मूले का काम हो गया, इस फार्मूले को हम लोग मिटा लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जब दोनों लेंसों को संपर्क में रखे जाते हैं, जब दोनों लेंसों को संपर्क में रखते हैं तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जो उनकी फोकस दूरी होती है वो हर एक लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो लेंसों के संयोजन के फार्मूला से, लेंसों के संयोजन के सूत्र से तो लेंसों के संयोजन का सूत्र क्या था डियर स्टूडेंट, 1/f = 1/f1 + 1/f2 लगा दिए डियर स्टूडेंट। 1/f1, तो F1 का मान कितना है, 10 है, और ये प्लस था, अब ध्यान से समझिए ये प्लस है, तो F2 का मान माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, F2 का मान कितना हो गया, 50। और 50 और 10 का LCM लोगे 50 आएगा, 10 × 50 तो 5 × 5, 50 × 50 तो यहाँ 1 आ गए डियर स्टूडेंट।
तो पांच में से एक घटा है चार, चार बटे पचास, ये एक बटे एफ आ गए, ये दो दूनी चार, पच्चीस दूनी पचास। अब ध्यान से समझिए, ये एफ ऊपर जाएंगे तो ये पच्चीस नीचे आ जाए, ऊपर चले जाएंगे, एफ बराबर कितना आ गया, पच्चीस बटे दो, तो ये आ गए फोकस दूरी आ गई। तो प्यारे बच्चों देखिए, फोकस दूरी क्या आई है, धनात्मक आई है, तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। पुनः हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या है, जब वस्तु की स्थिति क्या हो, ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु आपकी कितनी दूरी पर रखी हो, 25 सेंटीमीटर पे, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस ली जाती है डियर स्टूडेंट। तो वस्तु जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। तो वन अपान एफ, तो एफ का मान आप देख रहे होंगे क्या आया है, 25 बटे कितना है, दो है, बराबर एक बटे वी है, माइनस एक बटे यू का मान कितना है, माइनस 25 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दो ऊपर चला जाएगा तो कहा आ जाएगा, दो बटे 25 बराबर एक बटे वी, और प्लस एक बटे कितना आ गया, 25। अब ये एक बटे 25 इधर आ जाएंगे तो दो बटे 25 माइनस एक बटे 25 बराबर एक बटे वी, तो हर बराबर है तो आप घटा दीजिएगा, दो में से एक घटाएंगे, एक एक बटे कितना आ गया, 25, एक बटे वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। जो आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था वो आ गए वी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो है चौथे का जो क नंबर है वो समाप्त हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका इसका अगला प्रश्न है उसके लिए हमने डायग्राम बना के रख लिए हैं, जिससे आप लोगों का समय का नुकसान ना हो। और डियर स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में आप इसको स्टार देना चाहेंगे तो 3 स्टार में 3 स्टार दे सकते हैं, कि ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, इतनी बार ये पेपर में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, लास्ट चांस है इसको समझने का। क्या कर रहा है, यंग के द्विरेखा क्षेत्र का प्रयोग की सहायता से फ्रिंजों के बीच की क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंजों के बीच की क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या मान लिए कि एक मानते हैं, एक कोई यश है जो कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे एक ही रंग के प्रकाश निकल सकते हैं। तो प्यार ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये यश क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसमें एक छिद्र है, जिसमें क्या है, एक छिद्र है, जिससे निकलने वाली जो प्रकाश कणिकाएं हैं या जिससे निकलने वाली जो तरंगिकाएं हैं वो एक दूसरे पर्दे पे पहुंचती हैं जिसमें दो छिद्र है, एक S1 है, एक S2 है। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, यस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रखा गया है जिसमें दो छिद्र हैं, S1 और S2 हैं, जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, इसके क्या है, समांतर है। अब इससे चलने वाली जो तरंगिकाएं थी वो जब S1 और S2 पे पहुंची तो S1 और S2 पे ये एक नए तरंग स्रोत की तरह क्या करने लगती हैं, व्यवहार करने लगती हैं। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और S1 से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो बिंदु P पर जाके मिलती हैं, और S2 से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो बिंदु P पर मिलती हैं। तो मानते हैं कि जो बिंदु P है वहाँ पर जो है दीप्त फ्रिंजे मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं प्यारे बच्चों, दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, जो आपने समझा है उसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक, जिससे निकलने वाली तरंगिकाएं, जिससे निकलने वाली तरंगिकाएं तरंगिकाएं S1 व S2 पर पड़ती हैं और S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं
द्वितीयक तरंग क्या है, डी दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण की घटना घटित करते हैं। या आप लोग क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, व्यतिकरण की फ्रिंजे बनाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, जो आपको समझाए थे प्यारे बच्चों, वही हम आप लोगों ने लिख लिया, व्यतिकरण की फ्रिंजे बनाते हैं। माना बिंदु P पर कौन सी फ्रिंजे प्राप्त होती हैं? माना बिंदु P पर दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती हैं। कौन सी फ्रिंजे? दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, ये प्यारे बच्चों। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि S1 से जो चलने वाली तरंगिकाएं हैं और जो S2 से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, वो बिंदु P तक पहुँचने में दोनों के द्वारा अपनाए गए जो पथ हैं उनमें कुछ न कुछ अंतर हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम क्या कहेंगे, यह P पर पहुँचने वाली दोनों तरंगिकाओं के बीच का जो पथांतर है वो किसके बराबर है? S2A के बराबर है। कैसे पता चला? जब हमने S1 से एक लंब खींचा जो कि A पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, तो यहाँ से जितना समय ये लिए या यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों इक्वल है, इतने दोनों में अंतर आ रहे थे, तो यही क्या हो गए? पथांतर हो गए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P पर पहुँचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ध्यान से समझिएगा जरा सा, द्वितीयक तरंगिकाओं का जो पथांतर होगा वो S2 से निकलने वाली तरंगिकाओं के द्वारा अपनाए गए पथ, तो S2 के द्वारा अपनाए गए पथ कौन है? S2 से P क्या हो गए? S2P माइनस क्या हो जाएंगे? S1P ये हो गया डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग अब इधर की तरफ समझते हैं जरा सा, ठीक, ये हो गए। अब ध्यान से समझिए कि जो S2P और S1P है वो किसके बराबर है, तो इन दोनों के जो पथों का अंतर है वो किसके बराबर है? S2A के बराबर है। किसके बराबर है? S2A के। तो क्या हो जाएगा, यही जो पथांतर है वो पथांतर क्या हो जाएगा? S2A बराबर क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P बराबर क्या हो गया? S2A। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आया, यानी जो ये P पर जो दीप्त फ्रिंजे आपने माना है उन पे जो पहुँचने वाली तरंगिकाओं का जो पथांतर है वो S2P माइनस S1P बराबर किसके बराबर है? S2A के बराबर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, एक त्रिभुज है PCO, दिखाई पड़े त्रिभुज PCO, तथा अगला त्रिभुज आप देखेंगे त्रिभुज PCO को छोड़कर अगला त्रिभुज S1CA तथा त्रिभुज S1CA एक दूसरे के क्या है? समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। डियर स्टूडेंट, एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तो आप समरूपता का नियम लगा सकते हैं। समरूपता का नियम क्या होता है आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां से देख सकते हैं कि वो त्रिभुज कौन है? S1CA और PCO दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये लंब वाली भुजा लेंगे, यहाँ लंब वाली भुजा कौन है प्यारे बच्चों? S1 और A है। क्या है प्यारे बच्चों? S1 और A है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ कौन सा त्रिभुज आपने लिया है? त्रिभुज आपने लिया है S1। एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने गलती किया, S1C नहीं बल्कि S1S2A त्रिभुज लेना चाहिए था, S1S2A, ठीक ऐसे मानिएगा, थोड़ी सी गलती हुई थी, S1S2A, तो
तो ये एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ से आप देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन सी साइड लेने वाले हैं, ये वाली साइड S2A, देख रहे हैं आप S2A, तो यहाँ लिखेंगे S2A, ठीक, बटे S1 S2, बटे क्या हो जाएगा S1 S2। तो डियर गाइस, इस प्रकार आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर क्या है, अब अगले त्रिभुज में आप देखिए, अगले त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ओपी है, क्या है ओपी है, फिर क्या है ओसी है, ओपी है और क्या है ओसी है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ओपी बराबर ओपी बटे क्या हो जाएगा सीपी। इस लाइन को प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ओपी बटे क्या हो गए सीपी, ओपी बटे क्या हो गए सीपी। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को जरा सा आप लोग एक बार फिर समझिएगा, सीपी ना होने के बजाय यहां क्या होना चाहिए था, सीओ होना चाहिए था। चलिए प्यारे बच्चों एक बार आपको फिर से समझाते हैं, जरा सा देखिएगा, आपने कौन सा त्रिभुज लिया है S1 S2A, तो ये कुछ त्रिभुज आपके ऐसे बने हैं, S1 है, ये S2 है, ये A है। आपने किन किन भुजाओं का अनुपात लिया है, एक ये S2A और S1 S2, तो S2A और कौन सा S1 S2 लिए हैं। फिर आप जो अगला त्रिभुज बनाए हैं उस त्रिभुज में किसका लिए हैं, OP लंब का और OC किसका है आधार का, तो लंब और आधार की भुजाओं का अनुपात लिया गया है दोनों त्रिभुज से, तो ये हो गए। आप देखिए S2A आपको नहीं पता है, यही आपका पथांतर है यहाँ पर, S2A S1 S2, तो S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है d है, बराबर OP, O से लेके P के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों X है, और CO के बीच की दूरी कितनी है D है, क्या है D है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पथांतर ज्ञात करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, S2A बराबर क्या आ गया XD अपान कितना आ गया, कितना आ गया XD अपान D, ये आपके क्या आ गए पथांतर आ गए, ये क्या आ गए प्यारे बच्चों S2A आपका क्या है पथांतर है, आप इसे लिख सकते हैं पथांतर, ठीक। तो ये आपने क्या ज्ञात कर लिया, तरंगिकाओं के द्वारा अपनाए गए जो पथों का अंतर था वो आपने ज्ञात कर लिए। पर आपको क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, आपको तो ज्ञात करना है फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए, किसके लिए दीप्त फ्रिंजों के लिए, किसकी चर्चा करते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दीप्त फ्रिंजें वहां होती हैं जहां पर जो संपोषी व्यतिकरण होता है, दीप्त फ्रिंजों पर संपोषी व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त होता है और अदीप्त फ्रिंजों पर विनाशी व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त होता है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण, क्या हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर बराबर हो जाएगा यम लैम्डा, क्या हो जाएगा यम लैम्डा। तो दीप्त फ्रिंजों की क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए अब क्या होगा, दीप्त फ्रिंज के लिए अब ध्यान से समझिए, जो ये पथांतर है यहाँ पर रख देंगे, पथांतर आपने क्या पढ़ा एम लैम्डा पढ़े, तो यम लैम्डा क्या हो जाएगा, यम लैम्डा बराबर कितना है XD अपान कितना D। आपको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, आपको X ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है X ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ध्यान से समझिए, इनका मल्टीप्लाई यहाँ होगा XD बराबर यम लैम्डा D आ गए, ये D इधर कर देंगे, X बराबर आ गए यम लैम्डा D अपान कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, D अपान कितना आ गया d, ये आ गए दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर, किसके लिए आ गए प्यारे बच्चों दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे डियर स्टूडेंट अदीप्त फ्रिंजों के लिए, किसके लिए अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण। तो डियर स्टूडेंट विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो किसके बराबर होता है 2m-1 लैम्डा बटे 2,
किसके बराबर होता है? 2m-1 लैम्डा बटे कितना होता है? तो होता है, तो डियर बच्चों इस तरफ जरा सा हम लोग समझते हैं। तो फिर से ये पथांतर का मान यहां पर रखेंगे, तो पथांतर बराबर क्या है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 2m-1 लैम्डा बटे 2। चाहे तो आप इसे समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। डियर स्टूडेंट अब ध्यान से समझिए, 2m-1 लैम्डा बटे 2 यहां रखें, बराबर कितना है xd अपान कितना d। तो प्यारे बच्चों xd अपान कितना है? कैपिटल d है। कितना है? कैपिटल d। आपको x का मान ज्ञात करना है, आप क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये d का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और देखिए तो क्या आ गया, xd बराबर 2m-1 फिर लैम्डा बटे, तो लैम्डा इंटू कितना आ गया, d बटे कितना आ गया 2। ये d को इधर कर देंगे तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अब क्या आ गया आपके, x बराबर 2m-1, ये d इधर आ गए, लैम्डा d अपान कितना है प्यारे बच्चों, लैम्डा d अपान 2d, ये आ गए अदीप्त फ्रिंजों के लिए। जहां अदीप्त फ्रिंज होगा वहां केंद्रीय से फ्रिंजों के बीच की जो दूरी x है वो ये हो जाएगा, और जब दीप्त होगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको पूछा है किन्हीं फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, यहां लिखेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है और डिफिनीशन क्या होती है, उसको आप परिभाषित कैसे करोगे, क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है, क्रमागत यानी क्रम से दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, जिसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं। तो मानते हैं, माना दो क्रमागत फ्रिंजे XM और क्या है XM+1 है। क्या है प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजे एक XM है और एक क्या है XM+1 है। तो मान लेते हैं, यहां मानते हैं, माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजे, दीप्त फ्रिंजों की केंद्र से दूरी यक्षियम तथा यक्षियम प्लस वन है। क्या है? यक्षियम प्लस वन है। तो तब जो यक्षियम होगा वो क्या हो जाएगा, तब XM बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, XM बराबर, तो आपने यहां पर निकाला है जहां M है वहां XM बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, M लैम्डा D अपान कितना D। इसी प्रकार क्या हो जाएगा XM+1, तो जहां M है वहीं पर क्या रख देंगे, M+1 रख देंगे, फिर क्या है लैम्डा डी अपान डी। तो फ्रिंजों के बीच की क्या निकालनी थी, चौड़ाई, तो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई W बराबर क्या हो जाएगा XM+1 - XM। तो XM+1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, M+1 है, फिर कितना है लैम्डा डी अपान डी, और XM का मान कितना है M लैम्डा डी अपान कितना है डी। तो प्यारे बच्चों आप इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यम लैम्डा डी अपान डी हो गए, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो लैम्डा डी अपान डी, और वहाँ माइनस कितना है यम लैम्डा डी अपान डी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जो फ्रिंजों की चौड़ाई आएगा वो लैम्डा डी अपान क्या आ जाएगा डी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका सवाल यहाँ समाप्त होता है। ये तो आपने दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई निकाला है, यही जो चौड़ाई आएगी वो अदीप्त फ्रिंजों के लिए आएगा। तो डियर स्टूडेंट सवाल आपको इसी प्रकार से लगाने हैं, पेपर में ऐसे ही हल करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन को देख के मत डरिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम क्या था, आपको पथांतर निकालना था, आपने मान लिया, माना जो बिंदु पी है वो कहा है वहां पर दीप्त फ्रिंज होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए आपने पथांतर निकाल लिए, क्या पता चला जो XD अपान क्या है डी है। तो पूछा था फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकाल लिए अदीप्त, हमने दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई निकाला, इसी प्रकार आप लोग अदीप्त फ्रिंजों की भी चौड़ाई निकाल लोगे प्यारे बच्चों।
तो उम्मीद करते होंगे कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, ये हाँ, आप लोग जो है इसे स्टार देना चाहते होंगे तो आप इसे 5 में 5 स्टार दे सकते हैं, उस हिसाब का ये क्वेश्चन है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसको जरूर अभ्यास करके जाइएगा। बोर्ड पेपर में 99% चांस है ये प्रश्न पूछेगा। तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कर रहे हैं, उधर की तरफ चलते हैं। तो 4 का ग नंबर, क्या 4 का ग नंबर। और ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, आप उसको 5 स्टार रेटिंग में से कितने स्टार मिले हैं, 3 स्टार मिले हैं। ठीक, तो आइए 3 स्टार के लेवल की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन जो है इसके आधार पर न्यूमेरिकल पूछता है प्यारे बच्चों। तो क्या करा है, एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। कितना है प्यारे बच्चों, औसत आयु दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, औसत आयु। औसत आयु टाऊ से व्यक्त करते थे, टाऊ बराबर कितना है, 1 दिन है। कितना है, 1 दिन है। फिर ये स्टूडेंट आगे देखिएगा क्या करें हैं कि 16 ग्राम कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा आप इनको किससे व्यक्त कर सकते हैं, तो प्रारंभिक मात्रा को आप लोग एंड नॉट से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इनका जो एंड नॉट है वो कितना दिया गया है, 16 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया है, 16 ग्राम दिए गए हैं। आगे कर रहे हैं कि ज्ञात कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है अर्ध आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अर्ध आयु, यानी टी, कैपिटल टी का मान क्वेश्चन मार्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करना है 3.5 दिन बाद इसका अपघटित मात्रा। तो 3.5 दिन बाद अपघटित मात्रा, अपघटित है प्यारे बच्चों, हाँ, अविघटित, अविघटित मात्रा। तो अविघटित का मतलब क्या होता है कि यानी वो 3.5 दिन बाद वो कितना विघटित हो जाएंगे वो आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। अर्ध आयु, अर्ध आयु का आप लोगों ने फार्मूला जानते होंगे, अर्ध आयु और औसत आयु में रिलेशन आप जानते हैं। अर्ध आयु बराबर क्या होता है, टी बराबर 0.6931 गुणे टाऊ होता है। क्या होता है, टाऊ। तो टाऊ का मान आपका 1 है, तो 0.6931 गुणे 1 कर दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो जो इनका अर्ध आयु आएगा वो यही आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये दिन में लिखेंगे, इतने दिनों में जो वो आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसका आधा आयु, जो अर्ध आयु होगा वो 0.6931 के दिन के बराबर होगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया गया है डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3.5 दिन बाद इसकी जो अविघटित मात्रा है वो आपको ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पता कीजिए कि ये 3.5 दिन में कितनी, इनकी कितनी अर्ध आयु आ जाएगी, यानी जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो 3.5 दिन में कितनी बार उसकी अर्धायु आएगी। यानी पहले अगर 16 ग्राम है तो 8 ग्राम होगा, 1 अर्धायु हो गए, 8 ग्राम का आधा होगा 4 ग्राम तो दूसरा अर्धायु हो गया, 4 ग्राम का आधा हुआ 2 ग्राम तो तीसरा अर्धायु हो गया। ऐसे कितने अर्धायु आएंगे, तो अर्धायुओं की संख्या, अर्धायुओं की संख्या, अर्धायुओं की संख्या, तो जिसे हम लोग स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं डियर स्टूडेंट, अर्ध आयुओं की संख्या। तो कितने दिन बाद पूछे हैं, 3.5, तो 3.5 बटे का हो जाएंगे कितने हैं भैया, 0.6931, 0.6931। डियर स्टूडेंट, इसे हल करोगे तो 5 आ जाएंगे, कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार उसकी जो अर्ध आयु होगा, यानी वो जो आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो 3.5 बार में उसकी अर्ध आयु कितनी बार आएगी, 5 बार आएगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्या पूछा था, अविघटित, अविघटित पदार्थ की मात्रा, अविघटित पदार्थ की मात्रा। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, n=n₀ 1/2 n, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, n₀ का मान 16 है देख लीजिएगा, और 1/2 n का मान कितना आया है, 5 आया है। आप इसे हल कर दोगे, 1/2
गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, तो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, तो सोलह गुड़े एक बटे बत्तीस हो जाएंगे, सोलह के सोलह सोलह दुनी बत्तीस यानी एक बटे दो। तो ये इतनी पदार्थ उसके क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो चार नंबर का जो ग नंबर था वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सरल हैं और आप लोग छोड़ के चले आते हो और इसका मार्क कितना है, तीन नंबर के हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चार का जो घ है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक छोटा छड़ चुंबक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा गया है। एक कोई छोटा छड़ चुंबक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर कितना दिया है, 4.5 टेस्ला में रखा है। आगे कह रहा है छड़ चुंबक के अक्ष जो है क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं, थीटा बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 30 अंश का क्या करता है ये कोण बनाता है, थीटा बराबर कितना है 30 अंश। आगे समझिएगा, यदि इस पर 4.5 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगे, टाउ इक्वल टू 4.5 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन मीटर का क्या लगे, बल आघूर्ण लगे, तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का होगी U, आपको पूछा है प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा U का मान पूछा है। तो डियर गाइज आपने पढ़ा होगा कि जो U होता है टाउ, जो U होता है उसका फार्मूला क्या होता है वो आप ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात करने से पहले आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो डियर गाइज आइए हम लोग सबसे पहले इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या ज्ञात कर लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, आपने ये नहीं पढ़ा था प्यारे बच्चों, टाउ इक्वल टू एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, आपको यम चाहिए तो ये इधर आ जाएंगे तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ बटे बी साइन थीटा, ये वाले तो आप रख दीजिए, यम बराबर क्या आ गया टाउ बटे बी साइन थीटा, ये देखिए स्लीपर होम चला गया पता नहीं कहाँ से आ गया, वो भी फिजिक्स पढ़ने आ गया। चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर कितने हो गए डियर स्टूडेंट, टाऊ अपान कितना है बी साइन थीटा, चलिए टाऊ का मान, तो टाऊ का मान कितना है 4.5 गुणे 10 घाते माइनस 2 है, फिर क्या है बी, तो बी का मान आप देख सकते हैं 4.5 है, और साइन थीटा तो थीटा बराबर कितने हैं साइन 30 अंश। तो डियर स्टूडेंट आप इनको इनसे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर कितना बचा है 10 घाते माइनस 2, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो m इक्वल टू कितना आ गया 2 गुणे 10 घाते माइनस 2, तो आप m का मान निकाल लिए, किसका मान आ गया ये m का मान। अब आपको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या कर रहा है कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा यम इंटू बी इंटू कॉस थीटा, यम का मान कितना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 2, बी कितना है देख लीजिएगा 4.5 है, कॉस थीटा तो थीटा के स्थान पे 30 अंश, तो प्यारे बच्चों 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 ये 4.5 का 30 अंश का मान अंडर रूट 3 बटे कितना होता है 2 होता है। तो प्यारे बच्चों आप इनको हल करोगे तो हल करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 7.7 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल, ये इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। और ये जो है आपका चार नंबर का जो घ नंबर था वो क्वेश्चन है। और सोचिए डियर स्टूडेंट ये तीन नंबर के हैं और आप लोग इसको छोड़ के चले आते हो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है,
आपको हल करने हैं, थ्योरी कंप्लीट करने हैं, तभी अच्छे मार्क आएंगे डियर स्टूडेंट। विशेष तौर पे न्यूमेरिकल पे खास तौर पे आप ध्यान लगाइएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इस खंड का जो चौथा का अंग नंबर है वो लास्ट क्वेश्चन है, चार नंबर का। ये भी तीन नंबर का क्वेश्चन है। करा एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। तो प्यारे बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व को आप लोग लैम्डा से व्यक्त करते थे। लैम्डा बराबर होता था क्यू बटे एल, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता था। तो लैम्डा बराबर दे के रखा है 10 × 10⁻⁸। कितना दिया डियर स्टूडेंट? 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति कितना दिया है? मीटर दिया है। ये लैम्डा का मान दिए हैं। फिर क्या करें, तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर आर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इनको पहले मीटर में तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर दिए। दूर करा लंबवत दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी आपको ई ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये एक फार्मूला पढ़ा होगा, अनंत रेखीय आवेश के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4π ε₀ 2λ/r। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹2λ का मान कितना है? 10 × 10⁻⁸। फिर कितना आर? आर का मान कितना है? 2 × 10⁻²। तो डियर स्टूडेंट, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 6 बच जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 9 × 10⁹9 यहाँ कितना बचा है? 1 10 बचा है, और यहाँ कितने 6 बचे थे? 10⁻⁶। तो 9 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया? 3। तो 9 × 10⁹3 और ये 1 कितने हो गए? 4। तो आप ये न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं, या तो इसी को एक आंसर और लिख सकते हो, या ई बराबर 10 के आगे 4 0, तो ये हो गए न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, आपको 3 नंबर दे के चले जाएंगे, तो सोचिए न्यूमेरिकल से कितने अच्छे नंबर आप उठा सकते हो डियर स्टूडेंट। तो ये रहा आपका 4 का अंग नंबर। आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको मूव कर देते हैं। सौरभ सर, चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम लोग खंड द का प्रश्नोत्तर जो 5 है उसके क नंबर सवाल को हल करते हैं। कि जैसा हम कि आप लोगों को टाइम को बचाने के लिए हम डायग्राम पहले ही बना के रखे हैं। क्या बनाया है आप लोग पहचान ही रहे होंगे, अच्छे तरीके से इससे परिचित होंगे। क्या बनाया गया? व्हीट स्टोन सेतु बनाया गया है। क्या बनाया गया प्यारे बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते तो हैं। करा किरचॉफ के विद्युत परिपथी संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q और बराबर R/S प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यानी कह रहा कि संतुलन की स्थिति में P/Q और R/S को ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध क्या होते हैं? ज्ञात किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिर से रिपीट करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु चार भुजाओं पर आधारित एक क्या होता है? यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसे सेतु क्यों कहते हैं? सेतु इसलिए कहा जाता है कि ये जो धारा होती है वो धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाती है, इसलिए इसे सेतु कहते हैं। सेतु का कार्य करता है, सेतु मतलब होता है पुल। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, इसका नाम क्यों पड़ा व्हीट स्टोन सेतु? व्हीट स्टोन सेतु एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किए थे, इसलिए इनका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ गया। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जो है अब इसके P/Q = R/S को ज्ञात करते हैं। P/Q = R/S इसकी संतुलन की अवस्था होती है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे
आप एक नीक ध्यान से समझिएगा, ये जो आई है वो क्या हो रही है, ये संधि के समीप जा रही है, देखिए ए पर। या तो आप ध्यान से समझिए, जरा सा आप इनको समझ लीजिएगा क्या क्या होते हैं। देखिएगा समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पर पी क्यू आर और एस, ये चार प्रतिरोध व्यवस्थित किए गए रहते हैं। क्या व्यवस्थित किए गए रहते हैं? चार प्रतिरोध व्यवस्थित किए गए रहते हैं। इसमें यहाँ से निकलने वाली धारा आई जब ए पे पहुँचती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, आई वन और आई टू। यही आई वन जो बी से होते हुए यहाँ पर जाती है, यहाँ तक आती है, और यही आई टू यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होती रहती है। एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया रहता है जिससे पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। दो ठो कुंजियाँ रहती है, के वन और के टू। के टू जो है इस परिपथ को बंद करता है, चालू करता है। के वन जो होता है इस परिपथ को बंद और चालू करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले किरचाप के प्रथम नियम से, किसके नियम से? किरचाप के प्रथम नियम से, किरचाप के प्रथम नियम से। किरचाप का प्रथम नियम क्या था? संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीज गणितीय योग होता है क्या होता है? शून्य होता है। तो किरचाप के प्रथम नियम से देखिए, ए पर जो मिलने वाली धारा है आई, तो ए जो है संधि के समीप जा रहा है, आप इसे प्लस मानोगे तो अगला क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगले दोनों दोनों हैं धाराएं, वो संधि से क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। तो ये आई माइनस आई वन हो जाएगा, फिर माइनस आई टू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये माइनस आई वन और माइनस आई टू का अगर उधर हम लोग पक्षांतर कर दें, आई बराबर क्या हो गए? आई वन प्लस आई टू। समीकरण नंबर क्या बना लिए? एक बना लिए। प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग लूप पकड़ते हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए लूप, ए बी क्या लिखे प्यारे बच्चों? लूप ए बी डी ए में किरचाफ के द्वितीय नियम से, किरचाफ के द्वितीय नियम से। तो डियर स्टूडेंट, किरचाफ के द्वितीय नियम से क्या लगाएंगे? हमने पढ़ा था समेशन आई आर बराबर समेशन ई। तो डियर स्टूडेंट, संगत बहने वाली धारा आई और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग सेल के कुल विद्युत वाहक बल ई के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले हम लोग ए से बी गए हैं, ए से बी में बहने वाली धारा आई वन है, संगत प्रतिरोध कौन है? पी है। तो क्या हो गए? आई वन पी माइनस क्या हो जाएंगे? सॉरी प्यारे बच्चों, अभी माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप बी से कहाँ गए? डी। तो बी से डी में प्रवाहित होने वाली धारा कोई नहीं है, आप देख लीजिए इसमें कोई धारा फ्लो नहीं हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? डी से ए पे गए हैं, तो जब डी से ए की तरफ जाने लगे तो धारा आपके विपरीत है, आप जा इधर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आई टू और संगत प्रतिरोध क्या? आर। क्या आप पूरे इस लूप में ए से लेके बी और डी ए के बीच में क्या कहीं पर आपने सेल लगाया है? नहीं लगाया है, तो जो समेशन ई का मान होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी पूरे लूप में कोई सेल का उपयोग नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? अब लूप कौन सा पकड़ेंगे? डियर स्टूडेंट, बी सी डी बी क्या करेंगे? लूप बी सी डी बी में किरचाफ के द्वितीय नियम से, किरचाफ के द्वितीय नियम से। तो डियर स्टूडेंट, किरचाफ के द्वितीय नियम से अब क्या करेंगे? यहाँ किरचाफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो बी से सी, तो बी से सी कौन है? आई वन और प्रतिरोध का है क्यू है, तो आई वन क्यू। अब ध्यान से समझिएगा, फिर सी से कहाँ आए? डी। तो सी से डी आए तो धारा क्या है? आपके विपरीत है, तो माइनस लगा दिए आई टू। प्रतिरोध कौन है? एस है बराबर। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही। क्या इस पूरे लूप में आपने कहीं से लगाया है? नहीं लगाया, तो जीरो हो गए। समीकरण नंबर तीन, समीकरण दो बटे समीकरण तीन, समीकरण दो बटे समीकरण तीन। तो डियर स्टूडेंट, समीकरण दो क्या है? आई वन पी, ठीक, क्या है? आई वन पी और बटे क्या है इधर? आई वन क्यू, आई वन क्यू माइनस। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, माइनस कितना है? आई टू आर
बराबर क्या है आई टू एस, ये देखिए इनको इनसे इनको इनसे बराबर कितना जीरो, ये माइनस वाला चीज उधर गए तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आई वन पी बटे आई वन क्यू, क्या लिखते हैं आई वन क्यू और बराबर माइनस उधर गए तो प्लस आई टू आर और आई टू एस, आई टू से आई टू कैंसिल आई वन से आई वन कैंसिल, तो क्या बचा डियर स्टूडेंट P बटे Q बराबर R बटे S, और यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था डियर स्टूडेंट। और ये पूरे क्वेश्चन आपको कितने नंबर दे के जाते हैं 3 नंबर, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है ये 5वें का क नंबर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 5वें का ख नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत अनुनादी किसे कहते हैं तथा श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति की व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5वें का ख नंबर कह रहे हैं क्या कहते हैं, कह रहे हैं विद्युत अनुनादी किसे कहते हैं, विद्युत अनुनादी किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा विद्युत अनुनादी क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत अनुनाद क्या होता है, विद्युत अनुनादी किसे कहते हैं, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। तो वे परिपथ जिनमें विद्युत अनुनादी की घटना घटित होते हैं वो अनुनादी परिपथ कहलाते हैं, और उस समय की जो आवृत्ति होती है वो अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। पर हमको क्या बताना है विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा विद्युत अनुनाद क्या होते हैं, जब भी किसी परिपथ की जब किसी परिपथ में बाहर से दिए जाने वाले जो ऊर्जा की आवृत्ति होती है, बाहर से जो ऊर्जा देने वाले जो स्रोत की आवृत्ति होती है वो अंदर वाले जो अंदर की जो आवृत्ति है उसके बराबर हो जाए तो क्या कहलाती है अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ये कौन सी स्थिति कहलाती है प्यारे बच्चों, यह अनुनाद की स्थिति कहलाती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब किसी निकाय पर आरोपित स्रोत की आवृत्ति निकाय की आंतरिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो यह अवस्था या यह स्थिति अनुनाद स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुनाद स्थिति कहलाती है। डियर स्टूडेंट ये स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है, अनुनाद स्थिति कहलाती है। तब की जो आवृत्ति होगी या तब ऐसे जो परिपथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुनाद परिपथ कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों श्रेणी क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से आपको अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनुनादी आवृत्ति। तो प्यारे बच्चों अनुनादी आवृत्ति की स्थिति क्या होती है, जब श्रेणी क्रम में जो आपके प्रेरकी प्रतिघात यानी एक्सियल और जो आपके संधारित्व वाले जो प्रतिघात होते हैं, जो धारिता के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे आप लोग क्या कहते हो प्रेरकी कहते हो, वो एक्सएल और यक्स ओमेगा क्या हो जाए बराबर हो जाए। डियर स्टूडेंट अनुनादी आवृत्ति की स्थिति जब होती है, जब एक्सएल और एक्स ओमेगा आपस में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, इक्वल हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं अनुनादी की स्थिति का अनुनादी आवृत्ति की स्थिति कहलाती है एक्सएल और एक्स सी। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे एक्सएल इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल होता है, क्या होता है ओमेगा एल ओमेगा एल होता है ना, तो यहाँ ओमेगा एल रख दिए, एक्स सी इक्वल टू 1/ ओमेगा सी रख दिए। तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई केवल ओमेगा का मल्टी ओमेगा से किए तो ओमेगा स्क्वायर हो गए, एल इधर कर दिए तो 1/ एल सी आ गए। प्यारे बच्चों इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 1/ अंडर रूट में एल सी हो जाएगा,
तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 1/√LC। आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2πf होता है, कितना होता है 2πf। तो यहाँ हो गए ओमेगा के स्थान पे क्या रख दिए, 2πf बराबर क्या हो गया, 1/√LC। तो f का मान निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, तो f बराबर क्या आ गया, 1/√2π√ कितना हो गया LC, अंडर रूट कितना आ गया LC। तो ये होती है अनुनादी आवृत्ति, क्या होती है प्यारे बच्चों, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। तो इस प्रकार आप लोग पांचवें का ख नंबर हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और इस पेपर के जो बचे क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले वीडियो क्लास में प्रोवाइड करा देंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबे वीडियो। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई समस्या हो प्रश्न में या किसी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है, न तो मस्ती करना है, केवल फोकस करना है पढ़ाई पर। तो धन्यवाद बच्चों।